गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सेम टॉपिक, की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड पॉइंट, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर. थर्ड पॉइंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स. इससे कुछ समझ में आ रहा है? सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी पावर्स की सेपरेशन, उसे टुकड़ों में बांट देना. अब किसकी पावर्स? हमने स्टार्टिंग के हमारे टू पॉइंट्स देखे थे, वो थे, एक हमने देखा था फेडरलिज्म, जहाँ पर हमने हमारी तीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखी थी. उसके बाद हमने देखा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब हम पढ़ रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर. ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है. तो जब हम गवर्नमेंट की बात ही कर रहे हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर की बात कर रहे हैं, यानी कंट्री को चलाने की, उसके रूल्स की बात कर रहे हैं. हमने देखा कि तीन गवर्नमेंट के फॉर्म हुए और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे चुनते हैं. अब आता है सेपरेशन ऑफ पावर. गवर्नमेंट बन गई, हमने गवर्नमेंट चुन ली, गवर्नमेंट बन गई, स्टेट की बन गई. अब पावर्स कैसे सेपरेट होंगे? तो ये देखिए, एक स्ट्रक्चर है, बहुत इजी है, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है. द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड द स्टेट इंटू थ्री ऑर्गन्स. कॉन्स्टिट्यूशन जो है, स्टेट को तीन ऑर्गन्स में डिवाइड करते हैं, यानी गवर्नमेंट को तीन ऑर्गन्स में डिवाइड किया जाता है, गवर्नमेंट को या स्टेट को, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द पार्लियामेंट. द एग्जीक्यूटिव दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इम्प्लीमेंट द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर. And the judiciary refer the organ of the government which settle dispute and provide justice in the country. समझ में आया? समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट बनाने के बाद जो रूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, गवर्नमेंट बनी, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गई. अब क्या हुआ कि जो स्टेट थे उनमें जो पावर्स थी वो सेपरेशन हो गई, या जो गवर्नमेंट थी हमारी उसकी पावर्स को सेपरेशन में डाल दिया, यानी किसी एक के हाथ में पावर नहीं थी. अगर किसी एक के हाथ में पावर हो जाए तो वो बात हो जाती है कि ये तो डिक्टेटरशिप वाला सिस्टम हो जाएगा. तो पावर्स जो है सेपरेट कर दी गई, यानी हर एक फील्ड में हर एक के पास अपनी एक पावर है. तो इससे क्या हुआ कि किसी एक का ना होते हुए कंट्री सबकी हो गई, यानी सब मिलकर चला रहे हैं कंट्री को. किसी एक के हाथ में सेपरेशन पावर्स, इंडिविजुअल पावर्स नहीं थी. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो गवर्नमेंट पावर उनको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर पावर में हम क्या देखते हैं? लेजिस्लेचर में सिंपल मीन्स पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी हमारी गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो जितने भी हमारे जो लीडर्स होते हैं, वो जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट में जाके, वो सारे लीडर्स, वो सारे कैंडिडेट्स लेजिस्लेचर पावर में आते हैं, यानी हमारे नेता. एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी गवर्नर और जनरल, जो गवर्नर डिसाइड होते हैं. देखा होगा आपने कि गवर्नर बनाए जाते हैं स्टेट के, जो इन लेजिस्लेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इन 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 इन्होंने जो गवर्नमेंट बनाई है वो गवर्नमेंट का, अब ये जो ऑर्डर देंगे वो इन्हें ऑर्डर, इस ऑर्डर को स्टेट पर लागू करेंगे. जो भी हमारी गवर्नमेंट, जो लेजिस्लेचर है, जो हमारी गवर्नमेंट के लीडर्स हैं, जो भी रूल्स बनाते हैं, बिल पास करते हैं, अब कौन उन्हें अप्लाई करेगा, कौन उन्हें स्टेट पर लागू करेगा, तो वो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो इसमें गवर्नर जनरल्स होते हैं. और इसके साथ साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी IAS, IPS, ये सारे लोग जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं.
यहाँ पर लीडर्स आते हैं लेजिस्लेटर में, यहाँ हमारे गवर्नर जनरल और जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं। और हमारा लास्ट है कि अब ये जो रूल्स रेगुलेशन है जो अप्लाई हो रहा है स्टेट पे, अब जो थर्ड पार्ट है हमारा वो है जुडिशरी कानून, जुडिशल कानून, हाई कोर्ट, अदर फेडरल कोर्ट। तो हम ये देख रहे हैं कि जो जुडिशरी है वो क्यों इस सेपरेशन ऑफ पावर में लाई गई, क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं जो रूल भी बना रहे हैं जो बिल बना रहे हैं वो इन्हें देते हैं, ये स्टेट पर हमारी कंट्री पे इन्हें अप्लाई करते हैं। तो जुडिशरी को इसलिए इसमें शामिल किया गया कि ये जुडिशरी ये देखेगी कि ये मिनिस्टर्स ये एग्जीक्यूटिव्स कहीं कोई गलत रूल गलत बिल गलत डिसीजन तो कंट्री के लिए नहीं डिसाइड कर रहे। यानी जुडिशरी के पास अपनी एक पावर है जो ये डिसाइड कर सकती है। अगर हमें हम सिटीजन्स को कुछ ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आती गवर्नमेंट की, हम सीधा कहते हैं ना कानून का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो हम कानून के पास जाते हैं, हम कोर्ट के पास जाते हैं, जुडिशरी के पास जाते हैं जहाँ हमें इंसाफ। तो हम जो हैं बेटा इजी वे में अगर गवर्नमेंट की कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है या वो पब्लिक के लिए प्रॉफिट नहीं है लॉस है नुकसान है, तो हम इजी वे में गवर्नमेंट जुडिशरी के पास यानी कानून के पास जाकर उस चीज़ के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं, केस कर सकते हैं ताकि हमें इंसाफ मिल सके, वो गलत चीज़ हट जाए कंट्री पे से। और कोर्ट जो है इसमें पूरा साथ देता है क्योंकि जो जुडिशरी पावर है वो गवर्नमेंट के तरीके से नहीं चलती, इसकी अपनी एक पावर होती है और ये अपने अकॉर्डिंग चलती है। और ये भी देखा जाता है कि ये तो एक सिस्टम हो गया कि ठीक है गवर्नमेंट की गलत चीज़ों को हम सही करते हैं, उसके बाद भी ये इसलिए जुडिशरी इसमें जोड़ी गई क्योंकि जो चीज़ें ये लागू करेंगे और ये अप्लाई करेंगे, तो जुडिशरी इसलिए बनाई गई कानून व्यवस्था कि शांति बनी रहे, पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो स्टेट में कंट्री में। कुछ चीज़ें होती हैं लागू की जाती हैं जैसे हेलमेट लगाना, आपने देखा होगा आप अगर ड्राइव करते हैं तो आपको हेलमेट लगाना कंपलसरी है। आप मानिए अगर जुडिशरी नहीं होती तो कोई मानता इस चीज़ को? कोई नहीं मानता, लेकिन कानून में ये है कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हो तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। तो जुर्माना करते हो ना, चालान कटता है, तो ये किसने लागू किया? ये जुडिशरी ने लागू किया। इन्होंने तो ये कहा कि भाई ये कंपलसरी है, कंपलसरी है, अगर नहीं लगाते हो पेमेंट करो 500,000 जो भी आपका चालान कटता है। हम ये नहीं पे करते अगर हमारा कानून नहीं होता, तो कानून ये कह रहा है कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हो तो ये जो गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई इतना पेमेंट करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो इसके लिए आपको सज़ा होगी। अगर आप ट्रैफिक के रूल ब्रेक करोगे, आप नहीं मानोगे जो रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं ट्रैफिक के, आप नहीं मानोगे आपको सज़ा होगी। किसने कहा? जुडिशरी ने कहा, हमारे कानून ने। तो कहीं ना कहीं पनिशमेंट के डर से हम वो सारी चीज़ें रूल्स रेगुलेशन मानते हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए बेटर होती है, होती है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट हम पर लागू करती है, रूल अप्लाई करते हैं, हम नहीं मानते। नहीं मानते तो अगर हम पकड़े गए किसी भी चीज़ करते हुए तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, तो हमें वो फॉलो करना है। उससे क्या होगा, हमारी सिक्योरिटी भी होगी और साथ के साथ कंट्री में पीसफुल एनवायरनमेंट भी बना रहता है जुडिशरी की वजह से, कानून व्यवस्था। चोरी करना पाप है या चोरी नहीं कर सकते, अगर जुडिशरी कानून नहीं होता तो क्या होता बेटा, कोई किसी के भी घर में जाके डकैती कर लेता, चोरी कर लेता, किसी का भी मर्डर हो जाता। लेकिन क्या है कि जुडिशरी ने ये बता रखा है कि चोरी करोगे तो सज़ा है, मर्डर करोगे तो सज़ा है, किसी को परेशान करोगे तो भी पनिशमेंट है, किसी को ज़बरदस्ती चलते हुए रास्ते में लड़ाई हो जाए, दंगे हो जाते हैं, तो दोनों ही
ग्रुप को पकड़ लिया जाता है तो दोनों को पनिशमेंट। तो ये जो पनिशमेंट का सिस्टम है, जो कानून व्यवस्था, ये हमारी कंट्री में पीसफुल एनवायरनमेंट बना के रखता है। लोग डरते हैं कि नहीं ऐसा करने पे क्या है, पुलिस आ जाएगी, हमें पकड़ के लेके जाएगी, हम पर हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो लोग डरते हैं और पीसफुल एनवायरनमेंट बना के रखते हैं। तो ये हुआ हमारे लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पावर। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंडिया हैड विटनेस अ लॉन्ग स्पेल ऑफ कॉलोनियल रूल। हम एक बहुत बड़े कॉलोनियल रूल्स के से बाहर आए हैं, या कॉलोनियल रूल जो हमने बताया था, सब्जुगेशन टू अदर कंट्री, किसी अदर कंट्री का किसी अदर कंट्री पे ओवर रूल करना, गॉट इट, कॉलोनियल। Constitution thus guaranteed these fundamental rights to every citizen to protect them against the state as well as other individual. ये जो सिक्स फंडामेंटल राइट्स आप लोग देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हमें हमारे प्रोटेक्शन के लिए, स्टेट के प्रोटेक्शन के लिए, सिटीज़न के प्रोटेक्शन के लिए, उसे कंट्री में रहने के लिए, एज अ सिक्योर लाइफ रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये जो फंडामेंटल राइट्स दिए वो ऐसे ही नहीं दिए। जब मैं आप लोगों को ये फंडामेंटल राइट्स समझाऊँगी, उसके बाद आप लोग सोचना, एक कोई भी एक फंडामेंटल राइट्स आप लाइफ में से हटाकर अज्यूम करना कि भाई ये हटा देते हैं फिर क्या होगा। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये डेली हमारे साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इंडिया में रह रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है राइट्स की। नहीं, बिना राइट्स के हम हमारी लाइफ को अज्यूम नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। अब ये फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ये मैं आपको हमारी अगली वीडियो में समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।